करीब 2 साल से बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन काफी बड़ा हो सकता है। राज्य सरकार की अपील के बाद हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। राज्य सरकार के अधिकारी विश्वास जता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी शिक्षक बहाली का करीब 2 साल से इंतजार कर रहे थे, आज उनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक के मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी थी। हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई के लिए जिन मामलों की स्वीकृति दी है, उसमें नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन का मामला सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। बिहार सरकार के अधिकारियों को पूरा भरोसा है कि आज हाईकोर्ट नियुक्ति पर लगी रोक हटा सकता है। दरअसल इसकी सुनवाई यानी मेंशनिंग के समय ही बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट को यह कहा था कि राज्य सरकार दिव्यांगों को शिक्षक नियोजन में 4% आरक्षण देने को तैयार है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से जो याचिका दायर की गई है, उसमें दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण की ही मांग की गई है। राज्य सरकार आरक्षण देने को तैयार है। सरकार ये भी कह चुकी है कि हाईकोर्ट को जितनी सीटों पर आरक्षण देने न्याय संगत लग रहा है, उतनी सीटों को रोककर बाकी सीटों पर बहाली की मंजूरी दी जाए। सूबे के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी कह चुके हैं कि जिस दिन हाईकोर्ट नियुक्ति पर से रोक हटाएगा, उसके अगले दिन से बिहार सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगी। सरकार चाहती है कि कोरोना को लेकर स्कूलों के बंद रहने के दौरान ही नियुक्ति पूरी कर ली जाए, ताकि जब स्कूल खुले तो छात्रों को ठीक से शिक्षा दी जा सके।